नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यार मैंने सोचा वीडियो बहुत दिनों से नहीं बनाया था, मैं छुट्टी पे था, लेकिन आप लोगों ने लगातार ये सवाल उठाए हैं, खासकर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। इस पर मैं पहले भी अपनी राय एक ओपिनियन दे चुका था, काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी मीडिया, खासकर बहुत सारे उनका जो सेक्शन है, लगातार इस चीज़ की हवा बना रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं कि इंडिया तो आएगी भैया, इंडिया को आना ही पड़ेगा। तो फिर थक हार के मुझे भी सूत्रों का सहारा नहीं लेना पड़ा। मैं सूत्र वाला सहारा नहीं लेता हूं, जो रहता है सामने इंटरव्यू करता हूं, बातें करता हूं, लेकिन ये थोड़ी सा संवेदनशील मुद्दा, और चूंकि इस पर बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व हैं, तो मैंने उन सारे पार्टीज़ के जो मेरे जानकार लोग हैं, सही जानकारी दे गलत जानकारी दे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिनको मैं ट्रस्ट करता हूं, उन चार पहलुओं से मैंने बात की और ये रिपोर्ट तैयार की। एक सोर्स पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमारे कुछ जो दोस्त हैं पुराने, उनसे बात की। आईसीसी में जो दोस्त हैं उनसे बात की, बीसीसीआई के जो दोस्त हैं उनसे बात की। ये तो आसान था, लेकिन सबसे मुश्किल था इंडियन गवर्नमेंट के सोर्स से बात करना, भारतीय सरकार से, क्योंकि वहाँ हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरे जो पॉलिटिकल फ्रेंड है, जर्नलिस्ट जो फ्रेंड है, उनका सहारा लेते हुए कुछ लोगों से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उनसे उन्होंने बात की। और इन सारी बातों को लेकर मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ कि दरअसल मसला क्या है और क्या रीज़न है, इंडिया जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा, उन सारे में। तो सबसे पहले मैंने जो बात करता हूँ पीसीबी की, इसका सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा कि भाई आपकी मीडिया बहुत सारे लोग ये लगातार चला रहे हैं, आप लोगों का हवाला देते हुए, सूत्रों का हवाला, तो आप ही लोग सूत्र हैं, तो आप लोग बताइए क्या है, इंडियन ने, बीसीसीआई ने आप लोग को कमिट कर दिया है या आईसीसी ने आपको कमिट कर दिया है, किससे कमिट कर दिया कि कुछ भी हो जाए हम आएंगे ही फरवरी में। तो पीसीबी के सोर्स जो हमारे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से, जो कि बड़े तहजीब वाले, तमीज़ वाले लोग हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि विमल भाई, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं और ये किसी का सीक्रेट नहीं है कि हमें चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट टीम आएगी तो इससे बड़ा हमारे लिए बूस्टअप, हम दुनिया भर में किसी भी टीम को बुला लें, ऑस्ट्रेलिया को बुला लें, वेस्ट इंडीज़ को बुला लें, पीएसएल करा लें, जब तक इंडिया नहीं आती है, इंडिया जब तक टूर नहीं करती है, पाकिस्तान पे जो वो धब्बा है कि इनसिक्योर जगह है, जहाँ पर वो सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, जो तमाम चीज़ें, वो हटेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक तो मुल्क के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि एक इंडिया आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लेजिटमेसी उनको मिल जाती है। तो था उस रीज़न से। दूसरा रीज़न उन्होंने कहा कि भाई लोग कंट्री में, लोग इंडियन टीम को बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, रविंद्र जडेजा, ऐसे जो खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, ये डेफिनेटली पाकिस्तान का एक बार दौरा करें। सचिन तेंदुलकर ने दौरा किया है, गावस्कर ने किया, कपिल देव ने किया है, गांगुली ने, द्रविड़ ने, धोनी ने, सब ने किया है, तो ये जनरेशन को क्यों डिनाई किया जाए। तो इनका कहना है कि हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप 2004 में आए थे, आप याद रखते हैं उस खातिरदारी को, हम आपको बोलते हैं पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को उतना यात्रा होगी और इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी जो अभी हमारी तरफ से कमिटमेंट कहीं से नहीं मिली। पीसीबी के खुद लोगों का कहना है कि हमें इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं मिली है, ना आईसीसी से, ना बीसीसीआई से। बोली देखिए सिंपल सी बात, अगर हमें इस तरह की कमिटमेंट मिलेगी तो हम उसको ऑफिशियली कहेंगे, और इतनी जल्दी हम लोग हाराकिरी कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी इंडिया क्रिकेट की, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को समझता है, रीज़न को, वेरी सेंसिटिव टॉपिक है। तो प्लीज़ आप समझदार हैं, आप अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चल रहा है पाकिस्तान के सरहद से, सूत्रों के हवाले से, आपको ही पता है कि अभी नए नए बच्चे आए हुए हैं, वो लोग जिस तरह से चीज़ें कह रहे हैं, आप देखिए एक मैच्योर्ड वॉइस को देखिए, सेंसिटिव वॉइस को। तो पीसीबी ने ये अपना पहलू रखा। फिर हम गए बीसीसीआई की तरफ से, हमने बीसीसीआई की तरफ से पता किया। बीसीसीआई ने कहा कि भाई आपको मैं बार बार, आप हर हफ्ते भर में 10 दिन में आप इस खबर पे आते हो, हमने पहले भी कहा है कि आप हमारे पास इसके लिए नहीं आए, क्योंकि हमारा जवाब वही है, बदला नहीं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं, आप दूसरी स्टोरी पे ध्यान रखिए। उन्होंने कहा बीसीसीआई का इसमें कोई स्टैंड ही नहीं है, बीसीसीआई का स्टैंड जो है इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि भाई जब तक पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्टॉप नहीं करेगा, वो नहीं दौरा करने देंगे। अब ये अभी भी वक्त है, अब अगर पाकिस्तान वाकई में सीरियस है तो उनको सोचना चाहिए कि भाई उनकी मीडिया या उनकी सरकार जो कोई ऐसा एश्योरेंस भारतीय सरकार को दे, वो कमिटमेंट दे, तो बातें बनेंगी। तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम अभी बात ही नहीं करेंगे। तो बीसीसीआई की बात ख़त्म हो गई। अब हम गए आईसीसी के पास, ठीक है ना, कि भाई आईसीसी, तो आईसीसी ने कहा कि भाई आप अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है आईसीसी के, तो आईसीसी ने कब कहा कि
हम नहीं चाहेंगे इंडिया। बोला आईसीसी तो हर समय प्रार्थना करती है कि भाई इंडिया तैयार हो जाए, पाकिस्तान जाए, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेले, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो तो हम चाहते ही हैं, देखिए हर बार हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान भिड़े, फाइनल में भी भिड़े, सेमीफाइनल में भिड़े, इंपॉर्टेंट मैचेस में भिड़े, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम इंडिया को मजबूर नहीं कह सकते हैं भाई, हम बाकी जगह जो है हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आपको जाना होगा। उन्होंने फिर मैंने कहा कि नहीं पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान के कई मीडिया के लोग कह रहे हैं कि नहीं कैसे नहीं आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे फिर अगले साल भारत में 2026 में वर्ल्ड कप। उन्होंने बोला देखिए विमल भाई, ये कहने की बात है, आपको देखिए प्रैक्टिकल धरातल पे आइए और आप हिस्ट्री पे आइए। 2011 में पाकिस्तान ऐसे ही शोर मचा रहा था, हम सेमीफाइनल में नहीं आएंगे, आए ना, वो खेले हार के गए। 2016 में इसी तरह से शोर मचा रहे थे, आईसीसी का टूर्नामेंट था, उनको भी एक माहौल बनाना है विमल भाई, माहौल वो बनाएंगे, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट को अपने आवाम को क्या जवाब देंगे, तो उनको ये देना होगा कि भाई हम लोगों ने देखो ऐसे किया लेकिन ये मजबूरी थी। 2016 में आए, उन्होंने बोला कि अभी फिर 2023 में आए, वहाँ पर भी माहौल बना रहे थे, उनको कहा गया ठीक है आप कलकत्ता में आके खेले, कलकत्ता में आके वो खेल के गए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से 11 में आया, 16 में आया, 23 में आया, 26 में भी आएगा, और नहीं आएगा तो पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा वो सोच ही नहीं सकते, तो वो तो छोड़ दीजिए। मैं बोला आईसीसी की बात ये तो सही है भाई। और उन्होंने कहा कि ये बीसीसीआई को आप ये धमकी नहीं दे सकते हो कि आप नहीं आएंगे। बोला देखिए ये पता है सबको, तो ये इलॉजिकल बात है। मैंने बोला ठीक है भाई, आईसीसी की बात भी सही है। और फिर लास्ट में हमने जो हमारा सबसे कमज़ोर सोर्स था, क्योंकि हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई, वो पॉलिटिकल वाले, तो पॉलिटिकल वालों ने जो दो तीन नेताओं से बात की, उन्होंने कहा, बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्रिकेट क्रिकेट की चिंता करें, आप लोग को देश की कभी चिंता होगी? बोले क्रिकेट बहुत ही छोटा सा मसला है। बोले हमने तो आपको बैन नहीं किया, आईसीसी के साथ इंडिया खेलती है न्यूट्रल जगह पे, वहाँ खेलती है, खेल रही है, लेकिन पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में हमारा स्टैंड साफ है, जिसको नहीं पता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान का जो मीडिया इतना छटपटा रहा है, उनको इतनी डेस्परेशन है, तो कहिए ना वो अपने पाकिस्तानी मीडिया जो अपने गवर्नमेंट पे दबाव बनाए, और उनको कहे कि हम इंडिया को अश्योरेंस देते हैं कि भाई कोई भी हमारे बॉर्डर से कोई भी टेररिज्म की घटना नहीं होगी, अगर ऐसा होता है तो हम कभी भी क्रिकेट के लिए नहीं बोलेंगे। बोले मामला समझ जाएगा, अभी भी 6 महीने का वक्त है, पाकिस्तान अपने इंटेंशन क्लियर दिखा दे। भाई आप अगर सादगी का रास्ता, आप अगर शांति का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो दिखाइए। आपका मीडिया सिर्फ ये बातें करेगा कि आए और पैसे, बोला आपको पैसे की ज़रूरत है, इंडिया को वो पाकिस्तान के पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो पता है कि उनको इंडिया, जब इंडिया जाएगी तो उनका धंधा बनेगा, बिजनेस आएगा, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बात थी। फिर मुझे चलते चलते आखिर में किसी ने बताया, और ये बड़ा, मैं उनका नाम नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यार पाकिस्तान की तो ये ताकत नहीं थी, एशिया कप में तो वो बुला नहीं पाए, वहाँ पर उनको हाइब्रिड खेलना, एक छोटा सा टूर्नामेंट था जहाँ पर, तो ये वर्ल्ड कप के लिए इतना हाई प्रोफाइल इवेंट में। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ, लब्बो लबाब ये है, आज की डेट में पाकिस्तान जो है, खुद पीसीबी नहीं मानता, पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग दावा कर रहे हैं उनकी तो छोड़ दो, खुद पीसीबी आज के डेट में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो दावा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि भाई हम जिस दिन हमें लगेगा हम आपको स्टेटमेंट देंगे, हम आपको मीडिया में आके बात करेंगे, हम ये सब सूत्र उत्र के हवाले से ये सब बात नहीं करेंगे। पीसीबी ने ये चीज़ कह दी, आईसीसी ने कह दी, बीसीसीआई का स्टैंड क्लियर है, एज ऑफ नाउ इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, उन्हें ये नहीं होगा, लेकिन मैं फैक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर बड़ी कई दिन तक कई लोगों से बातचीत हुई, उस पर कह रहा हूँ, तो आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है। हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मीडिया दबाव बनाए, इंडिया के प्रति उनका रुख चेंज हो लॉन्ग टर्म बियॉन्ड क्रिकेट, तो शायद बात बनेगी। तो इससे बॉल इन इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया टू पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, टू पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट कि भाई भारत के साथ रिश्ते सुधारो, इसमें हमारा भला है। देखो हम इंडिया आएगी, इंडिया के क्रिकेट से हमें इतना फायदा मिलता है, इंडिया क्रिकेट टीम आएगी तो कितना भला होगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।